हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेस एकेडमी में बच्चों अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन जोग्राफी की सीरीज कर रहे हैं यानी हम अगर बात करें तो भारत भारत का जो भूगोल है उसका अध्ययन कर रहे हैं ठीक है जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी वो है दोस्तों भारत की मिट्टियाँ क्या हैं टॉपिक की अगर हम बात करें तो भारत की, की... मिट्टियाँ हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ठीक है जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं लगभग हाँ पांच क्लासेस हो चुकी हैं आज जो है मिट्टी से रिलेटेड छठी क्लास है तो जैसे कि मैंने हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें तो जैसे मिट्टी क्या है मिट्टी का निर्माण कैसे होता है मिट्टी को प्रभा मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं फिर हमने जो है अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है मिट्टियों का वर्गीकरण ठीक है मिट्टियों का वर्गीकरण यानी जो मिट्टी है उनको जो भारत की जो मिट्टियां हैं उनको किस किस आधार पर या कितने पर कितने आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो, तो दो आधारों पर उसका वर्गीकरण किया जाता है एक है कड़ों के आकार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है ठीक है और दूसरा वर्गीकरण किया जाता है मिट्टी का भारतीय मिट्टी का दूसरा है आई के अनुसार वर्गीकरण तो मैंने आपको बताया था जो कड़ों के आकार के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें दोस्तों हम कहते हैं कि मिट्टी तीन प्रकार की होती है कौन कौन सी तो बालू मिट्टी यानी सैंड सॉइल दूसरी दोस्तों लोमी मिट्टी यानी दोमट लोमी सॉइल यानी दोमट मिट्टी और तीसरी जो है वो है क्ले सॉयल यानी चिकनी मिट्टी यानी कड़ों के आकार के आधार पर हमने मिट्टी को तीन प्रकार में बांटा था ठीक है फिर हमने बताया कि जो है अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आईसीएआर के अनुसार मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो आईसीएआर जो एक संस्था है भारत की ये क्या होती है भारतीय कृषि अनु कृषि अनुसंधान परिषद है ना यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये एक संस्था है हमारी भारत में इसने क्या किया है भारत की मिट्टी को आठ प्रकार में बांटा है यानी आई के अकॉर्डिंग जो मिट्टियां होती है भारत में कितने प्रकार की वो आठ प्रकार की तो कौन कौन सी है तो मैं वही बता रहा था अभी तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने कि जैसे मैं अगर बात करूं आईसीएआर सी ए के अनुसार आईसीएआर के अनुसार अगर हम बात करें तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है तो आठ प्रकार की आठ प्रकार की होती है तो मैंने पहले आपको इसमें बताई है जलोड मिट्टी ठीक है जिसको एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं जलोड मिट्टी ठीक है सेकंड जो है वो है दोस्तों काली मिट्टी यानी इसको ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक सॉइल तीसरी जो है वो है लाल मिट्टी लाल मिट्टी लाल मिट्टी मतलब रेड सॉइल फोर्थ जो है वो है लेटराइट मिट्टी लेटराइट मिट्टी जिसको लेटराइट ही बोलते हैं इंग्लिश में भी ठीक है पांचवी जो है वो है माउंटेन यानी पर्वतीय या, या वनीय मिट्टी भी बोलते हैं इसको पर्वतीय या वन मृदा वन मिट्टी जिसको माउंटेन एवं फॉरेस्ट मिट्टी भी बोलते हैं ठीक है सिक्स जो है वो है मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय या इसको शुष्क मिट्टी भी बोलते हैं ठीक है मरुस्थलीय मिट्टी ठीक है मैं जब लिखाऊंगा तो दोनों लिखा दूंगा सेवन जो है पर्वतीय मरुस्थलीय फिर जो है दलदली मिट्टी या इसको पिट सॉइल भी बोलते हैं दलदली मिट्टी दलदली मिट्टी इसको पिट सॉइल भी बोलते हैं और जो आठवीं जो है वो है वो है क्षारीय या लवणीय मिट्टी मैं एक ही लिख रहा हूँ क्षारीय मिट्टी ठीक है इसी को लवणीय मिट्टी भी बोलते हैं तो ये आठ प्रकार की जो है मिट्टी होती है ठीक है आठ प्रकार की मिट्टी होती है जो किसके अनुसार आई के अकॉर्डिंग यानी आई ने भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण कितने आधार कितने प्रकार में किया है तो आठ प्रकार में किया है ठीक है तो जिसमें से हम लोग ये पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको ये पढ़ा दिया है बहुत डिटेल से कराया है ये पढ़ा दिया है ये लिखा दिया है पढ़ा दिया है लेटराइट भी लिखा दिया आज हम लोग को पर्वतीय मिट्टी से शुरू करना है ठीक है तो अब आप समझ गए होंगे जो भी नए बच्चे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या हम लोग का हो चुका है ठीक है जो करंट का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा और दूसरी चीज है ये कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये भी समझ में आ गया ठीक है तो आज हम लोग दोस्तों आई के अकॉर्डिंग जो मिट्टी का जो वर्गीकरण है उसने आठ प्रकार में किया है और जिसमें से आज हम लोग चार तो पढ़ चुके हैं पहले ही आज पांचवी मिट्टी यानी पर्वतीय या वनीय मिट्टी से हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक को ठीक है तो अब आप लोग का क्या काम है बस आप लोग को जो भी नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरी आज पहली बार जो जुड़े हैं उनको करना बस यही है कि जो पीछे की क्लासेस हैं आप उनको देखते चलें ठीक है और आज जो क्लास है उसको भी साथ में देखते चलें ठीक है तो इससे क्या होगा आपका पीछे का भी कंप्लीट हो जाएगा और अभी साथ में हमारा ये भी चलता रहेगा साथ में ठीक है तो आप लोगों को पीछे क्लासेस कर दी है मैं और इससे पहले कई टॉपिक्स हो चुके हैं ठीक है थीके? तो आप क्या है जो जो मेरी जो प्लेलिस्ट है क्रैकर जीएस एकेडमी है जो इंडियन ज्योग्राफी के नाम से कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी के नाम से क्या है मेरी प्ले है ठीक है कंप्रीहेंसिव इंडियन जोग्रफी उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं तो ठीक है तो मैं आज उसी प्लेलिस्ट को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टन लिंक में आपको दे दूंगा आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी ठीक है तो आप वहां से जाके सारी जो पीछे क्लासेस वो भी देख लेंगे और मिट्टी की भी जितनी क्लास हुई वो भी सारी ऐड है उसमें तो आपको वहां से कर लेना ठीक है तो चलिए हम अब बात को आगे बढ़ाते हैं और अपना शुरू करते हैं टॉपिक को अब बात चलिए तो हम अगर बात करें तो हम शुरू करेंगे पर्वतीय मिट्टी तो आप लोग की जो भी पुराने हैं जो भी जहाँ से आप लोगों का जो पेट छूटा था वहीं से लिखना शुरू करेंगे ठीक है मैं जो जो मैं लिखाऊंगा आपको लिखते चलना है कुछ मैं बताऊंगा, आपको वो भी बोलूंगा, वो भी लिखते चलना है ठीक है तो चलिए हेडिंग डालेंगे जो अब पांचवी मिट्टी है ना तो पांचवी मिट्टी का नाम जो है वो है पर्वतीय तथा वन मृदा, वन मिट्टी वन मिट्टी अगर इंग्लिश की बात करें माउंटेन एंड फॉरेस्ट फॉरेस्ट श्वाइल ठीक है तो ये मिट्टी है इसके बारे में हम लोग लिखते चलेंगे चलिए लिखिए कि मैं बोल रहा हूं आप लोग बस पॉइंट लिखिए जैसे एक अब ये लिख लिया अब ऐसे पॉइंट बनाइए ऐसे डॉट करके पॉइंट बनाते चलिए दूसरा पॉइंट होगा फिर इस तरीके से आप लिखते चले ठीक है तो लिखेंगे ये मिट्टियां ये मिट्टियां ठीक है लिखते चलेंगे ये मिट्टियां पर्वतीय भागों के ये मिट्टियां पर्वतीय भागों के वन मैं जो भी टफ शब्द होंगे वो मैं लिखी देता हूं खुद ही वन अच्छादित वन अच्छादित ऐसे लिखेंगे ठीक है आधा चाह है ये वन क्षेत्रों में पाई जाती ये मिट्टियां पर्वतीय भागों के ये मिट्टियां पर्वतीय भागों के वन प्रदेशों में पाए क्षेत्रों में या प्रदेशों में पाई जाती ठीक है तो ये हो गया फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यह मिट्टी यह मिट्टी जलवायु के आधार पर यह मिट्टी जलवायु के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती या मिट्टी जलवायु के आधार पर एक क्षेत्र से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती अब देखो मैं आपको इस पॉइंट दोनों पॉइंट को आप समझेंगे मैंने दो पॉइंट लिखा है अब आपको मैं दोनों पॉइंट समझाऊंगा पहले समझ देखो मैंने ये लिखा कि ये ये मिट्टियाँ हैं ये इनका अधिकतर जो विस्तार है वो पर्वतीय भागों में अब पर्वतीय भाग कौन से भारत में हमारे तो जिस जौन जौन से राज्य जो 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 राज्य पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं जैसे जम्मू कश्मीर है उत्तराखंड है हिमाचल प्रदेश है इधर आप आ जाएंगे तो सिक्किम है अरुणाचल प्रदेश है इधर अगर आप मतलब नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में जाएंगे जो सेवन सिस्टर है अरुणाचल प्रदेश है नागालैंड है मणिपुर है असम है त्रिपुरा है मिजोरम है मेघालय ये सारे जो हैं मेघालय को छोड़ दें तो ये सारे जो हैं क्या है पर्वतीय भाग में आते हैं तो यानी ये मिट्टियाँ इन इन राज्यों में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी इन इन भाग राज्यों में पाई जाती है फिर मैंने लिखा है कि ये जो मिट्टी है जलवायु जलवायु के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है क्यों भिन्न होती है तो आपको देखें जैसे कि मैं आपको बना के थोड़ा सा इसको समझाता हूं तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे ठीक है ठीक है मैं ऊपर का हिस्सा बना रहा हूं क्योंकि ऊपर की ही हमें नीड है तो उसी को हम लोग ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे देखो इतने दिन से मैं मैप को क्या हो जाता कभी कभी मेरे भी दिमाग में ठीक है दोस्तों तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मैप होता है भारत का ये हमने ऊपर का हिस्सा बनाया आप देखें हिमालय दोस्तों यहां से लेके ये पूरा इस तरीके से इस तरीके से देखें अगर तो ये पूरा मैं ब्लैक पेन से बना दे रहा हूं ये देखें पूरा ये जो है ये yes, ये पूरा जो क्षेत्र है ये हिमालयी क्षेत्र है ये जहां से मैं बना रहा हूं जो पूरा ये पूरा जो क्षेत्र है ये हिमालयी क्षेत्र है ये ये पूरा भी ये जो है पूरा हिमालयी क्षेत्र है अब आप देखेंगे दोस्तों तो जब ये हिमालय क्षेत्र है तो यानी देखो अब ये पूर्वी क्षेत्र का हिमालय की क्षेत्र की जलवायु और यहां की जलवायु में डिफरेंट होगा कि नहीं होगा भाई इतना लंबा दोनों के बीच में डिफरेंस है लेटि, उसका आ, क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड एन एवं लैटिट्यूड का डिफरेंशियल डिफरेंस है तो फिर जाहिर सी बात इसमें जलवायु परिवर्तन भी होगा थोड़ा बहुत जलवा एक दूसरे के में जलवायु क्षेत्र भिन्न होगा यहां की जलवायु और यहाँ की जलवायु थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ही ना होगा तो इसी वजह से इस क्षेत्र की मिट्टी और इस क्षेत्र की जो पर्वतीय मिट्टी है उसमें डिफरेंस होगा कि नहीं होगा यहाँ सी बात है यहां की मिट्टी में डिफरेंस क्योंकि यहां देखो यहां बारिश बहुत ज्यादा होती है यहां पे जो बारिश होती है लगभग साढ़े तीन सौ से चार सौ डिग्री सेंटीग्रेट सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और यहां पर अगर हम देखें तो लगभग डेढ़ सौ दो सौ सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वर्षा के मात्रा में भी देखें बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो इस वजह से इस क्षेत्र की मिट्टी और इस क्षेत्र की मिट्टी में दोस्तों क्या है अंतर होता है पर्वतीय क्षेत्र की ही मिट्टी है ये दोनों मगर इनमें देखेंगे तो दोनों में अंतर है क्यों क्योंकि ये बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई है तो इस यहाँ के क्षेत्र की मिट्टी और यहाँ के क्षेत्र की मिट्टी में परिवर्तन थोड़ा बहुत भिन्नता रहती है ठीक है अब जैसे आप यहाँ के देखेंगे यहाँ की मिट्टी के क्षेत्रों में आप चाय कॉफ़ी मसाले उगा लेते हैं बट यहाँ के क्षेत्र में आप चाय कॉफी मसाले नहीं उगाते यहाँ पर आप जैसे सेब है और भी जो चीज़ें हैं करेवा मिट्टी में जैसे आप देखते हैं कि केसर उगाते हैं ठीक है जो ठंडे जो ठंडे क्षेत्र में जो ठंडे मतलब ठंडी के समय खाए जाने वाले जो ज्यादातर जैसे काजू है अखरोट है बादाम है अब इन सब चीजों को यहां पर उगाते हैं ठीक है तो उसका रीजन क्यों क्योंकि यहां की मिट्टी और यहां की मिट्टी में डिफरेंट होता है ठीक है तो ये दोनों पॉइंट आप समझ में आ गया होगा आपको एक साथ मैंने दो पॉइंट समझाए ठीक है अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे लिखते चलना है और समझते भी चलना है लिखेंगे तीसरा पॉइंट भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वही मैं लिखाने वाला हूं भारी वर्षा वाला ये वाला क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ह्यूमस भारी तीसरा पॉइंट है भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ह्यूमस ह्यूमस यानी ब्रैकेट में करके लिखिएगा जैविक पदार्थ अब ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं पेड़ पौधे के पत्ते सड़े गले पत्ते जड़ जब जमीन पर गिर जाते हैं फिर कुछ समय बाद वो तो सड़ गल जाते हैं फिर वो मिट्टी मिल जाते हैं वही जैविक पदार्थ है मैं पिछले कई क्लासेस पढ़ाता आ रहा हूँ तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थ अधिक होता है अधिक होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत का जो पूर्वी इलाका है जो भारत का जो पूर्वी इलाका है जो उत्तर पूर्वी इलाका है वो क्या है वो वन अच्छादित क्षेत्र है वहां पर बहुत अधिक मात्रा में वन है तो जब वन है तो वन में क्या हो तो वन है तो वन के अवशेष भी मिलेंगे हमें जैविक पदार्थ भी ज़्यादा मिलेगा क्यों क्योंकि उन्हीं के पेड़ पौधे के पत्ते हैं डहलियाँ हैं ये सब जब जमी गिर जाती है टूट कर सड़ गल जाती जब ये मिट्टी मिल जाती है तभी वो जो जैविक पदार्थ बनता है तो जब वन ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात जैविक पदार्थ भी ज़्यादा होगी और वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा होने से क्या होगा तो वन भी तो वहाँ ज़्यादा होंगे जहाँ पानी ज़्यादा बारिश होगी वहीं पर तो पेड़ पौधे ज़्यादा उगरे तो एक साथ कई चीज़ें कॉरिलेट होती हैं तो यही मैंने लिखा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों का जैविक पदार्थों की भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ह्यूमस या जैविक पदार्थों की अधिकता होती है अधिकता होती अतः इन क्षेत्रों में अतः इसी में लिखते चलेंगे, अतः इन क्षेत्रों में चाय कॉफ़ी मसाले तथा चाय कॉफ़ी मसाले तथा उष्ण कटिबंधीय फलों ऊष्ण कटिबंधीय फलों कटिबंधीय कटिबंधीय फलो ठीक है उस कटिबंधीय फलो की खेती संभव है कि खेती संभव है कि खेती संभव है ठीक है तो तीनों पॉइंट तीसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे क्योंकि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो बारिश ज्यादा होने की वजह से क्या होगा पेड़ बहुत होते हैं तो इसीलिए वो जंगल का इलाका है जंगल जब ज़्यादा है पेड़ ज़्यादा होंगे तो पेड़ पौधे के पत्ते भी बहुत सारे गिरते हैं पतझड़ के समय तो पूरा पेड़ ही खाली हो जाता है ठीक है जब पतझड़ का मौसम आता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो वो पत्ते जाते कहाँ हैं तो वो जमीन में पड़े रहते हैं फिर क्या होता है वो पत्ते धीरे धीरे सड़ने पहले सूखते हैं फिर सड़ते हैं सड़गल कर क्या होते हैं वो मिट्टी मिल जाते हैं और ये मिट्टी और ये जैविक पदार्थ ये मिट्टी जो पेड़ पौधे के जो होते हैं अवशेष जो होते उन्हीं को जैविक पदार्थ बोलते हैं जब वो मिल जाते हैं तो उन्हीं को ह्यूमस बोलते हैं तो जाहिर से उनकी अधिकता होगी और जब उनकी अधिकता ज्यादा होगी तो फिर हमको क्या है बहुत उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी तो हम चाय मसाले अब पहाड़ी इलाकों में हम चावल थोड़ी ना उगा ले जाए चावल हम कहाँ में उगाते हैं असम का जो इलाका है वो ब्रह्मपुत्र का जो नदी घाटी वाला इलाका है वहाँ पर हम चावल उगाते हैं बट बाकी क्षेत्रों में चाय कॉफ़ी और ये मसाले ये सारी चीज़ें उगती हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें फिर है आगे पॉइंट लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे जैविक पदार्थ की अधिकता के कारण जैविक पदार्थ की अधिकता के कारण यह मिट्टी अम्लीय गुण रखती है यह मिट्टी अम्लीय गुण रखती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जैविक पदार्थ होते हैं इसलिए वैसे ये अम्लीय हो जाती है बस ठीक है इतना जानना जैविक पदार्थ की अधिकता के कारण यह मिट्टी अम्लीय गुण रखती है ठीक है चौथा पॉइंट ये भी लिखा तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण यह मिट्टी अम्लीय गुण रखती है ठीक है तो ये पॉइंट हो गया नेक्स्ट पॉइंट कुछ समझाने वाली बात नहीं है अगला पॉइंट इसकी परत इसकी परत अत्यंत इसकी परत अत्यंत पतली होती है अब इसमें मुझे कोई शक नहीं कि आपको ना पता हो क्योंकि मैंने जब इसकी परत अत्यंत पतली होती क्यों मैंने आपको कब पढ़ाया था जब मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जब मैं कारक पढ़ा रहा था तब मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि जो पर्वतीय मिट्टी जो पर्वतीय मिट्टी होती है वो पतली होती है उसका रीज़न क्या होता है क्योंकि वहां पर क्या होता है वहां से आने वाली नदियां उनकी चट्टानों को उनकी जो मिट्टियां हैं ऊपर जो हल्की जो मोटी मिट्टी होती है उनकी बहुत सारी परत को वो छाड़ देती है यानी वो अपने साथ कटाव करती और क्या करती और जो हवाएं होती हवाएं भी क्या होती दोस्तों पर्वतीय इलाके में मिट्टी का कटाव करती हैं तो इस वजह से क्या होता है मिट्टी की जो परत हो जाती बहुत पतली हो जाती मैंने पढ़ाया था मैंने आपको मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक ढाल एवं मंद्र वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था जब मैंने आपको ठीक है तो इसीलिए इनकी जो पत जो पर्वतीय मिट्टी की जो परत होती है वो बहुत पतली होती क्यों क्योंकि एक तो नदियां भी इनका कटाव कर रही है दूसरा जो हवाएं चलती है तूफान चलती है वो भी क्या होती है मिट्टी का कटाव करती है जिस वजह से क्या होता है इनकी जो परत होती है बहुत पतली हो जाती है अब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है फिर अगला पॉइंट लिखेंगे इन मिट्टियों में अगला पॉइंट लिखेंगे इन मिट्टियों में चूना व चूना व फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है इन मिट्टियों में चूना व फास्फोरस की कमी पाई जाती है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें भी मान लो चूना है फास्फोरस कमी तो पाई जाएगी ना पर्वतीय इलाके में तो कहां चूना वहां पर पाई? पाई जाती है ठीक है दूसरा फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लास्ट पॉइंट है ये मिट्टिया हिमालय के पर्वतीय भागों में पाई जाती है अब यहां पर राज्य लिखाने की मुझे जरूरत है नहीं कि कौन कौन से राज्य जाएंगे हिमालय में जितने राज्य जाते हैं वहां पर ये सारी मिट्टियां पाई जाती तो ये मिट्टियां ये मिट्टियाँ हिमालय के पर्वतीय भागों में पाई जाती हैं ये मिट्टियाँ हिमालय के पर्वतीय भागों में पाई जाती हैं ठीक है तो ये हो गया जो है माउंटेन सॉइल या जिसको फॉरेस्ट सॉइल या पर्वतीय या वन मृदा जिसको बोलते हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया ठीक है अब नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे छठी जो है शुष्क शुष्क मैं लिख दे रहा हूँ इसको मिटाल रहा हूँ अब और अब जो मेरा हम लोग का हेडिंग रहेगा छी जो मिट्टी है उसके बारे में लिखेंगे शुष्क एवं मरुस्थलीय मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एरिड एंड डेजर्ट एरिड एंड डेजर्ट सॉइल ठीक है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी एरिड एवं डेजर्ट सॉयल लिखेंगे इसमें पॉइंट लिखेंगे ये मिट्टियाँ ये मिट्टियाँ 50 सेंटीमीटर से कम लिखेंगे ये मिट्टियाँ 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं ये मिट्टियां पचास सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं वार्षिक मतलब वर्ष एक वर्ष में वार्षिक ये पचास सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती कहाँ पाई जाती जहां पर पचास सेंटीमीटर से कम वर्षा होती वहां पर ये मिट्टी मिलती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इस प्रकार की मिट्टियों में इस प्रकार की मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक होती है इस प्रकार की मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक होती है अतः इन मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक होती है अतः इनमें अतः इनमें अतः इनमें जल धारण करने की क्षमता अतः इनमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है इन मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक होती है अतः इनमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है ठीक है बात को समझेंगे मैंने आपको जब मैं आपको कड़ों के आकार के आधार पर मिट्टी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था तो कि सैंड सॉइल जो थी जो बलुई मिट्टी है वो वास्तव में यही राजस्थान की या जो मरुस्थली या जिसको सूक्ष्म मिट्टी बोलते हैं और सैंड सॉइल में क्या होता है हम हाँ अगर उसमें क्या होता है उसमें बालू के कड़ बहुत ज़्यादा कड़े जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं मैंने पढ़ाया था कड़ों के आकार के आधार पर और उसमें क्या करते हैं जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है पानी मिट्टी पर ना रुक के वो नीचे चला जाता है धरती के नीचे जमीन में चला जाता है इसी वजह से क्या होता है इनमें जो नमी होती है इन मिट्टी में बहुत कम होती है ये बहुत एरिड टाइप की मिट्टी होती है समझ में आ गया ना अगर इन बलुई मिट्टी में अगर हम पानी डालेंगे तो पानी ऊपर सतह पर नहीं रुकेगा नीचे चला जाएगा ज़मीन के है ना नीचे चला जाता है मिट्टी में तल में चीज चला जाता है इसी वजह से इनकी मिट्टी की जो उत्पादकता है जिनमें नमी जो होती है वो कम होती है ये मैंने आपको कड़ो के आकार के आधार पर बताया था फिर लिखेंगे अगला इस प्रकार की मिट्टियों में इस प्रकार की मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी होती भाई जाहिर सी बात कार्बन सूक्ष्म क्षेत्रों में पेड़ तो उगते नहीं है तो कार्बनिक पदार्थ कहां से आ जाएंगे आप मुझे बताइए राजस्थान के इलाके में कहां पर आपको बहुत घने घने वृक्ष घने घना जंगल मिल जाएगा कहीं नहीं मिलता कहीं भी इक्का दुक्का पेड़ आपको मिलेंगे लगे हुए वो भी कैसे कटीले पेड़ मिलते हैं वहाँ पर कटीले पेड़ मिलते हैं उसका भी रीजन ये होता है कटीले पेड़ इसलिए मिलते हैं कि जब और उन पेड़ों की जो पत्तियाँ होती बहुत छोटी होती हैं उसका रीजन ये होता है क्योंकि क्या होता है जब कटीले और पत्तियाँ छोटी होती हैं तो जो जो उनका वाष्पोसर्जन होता है मिट्टियों से जो जो जैसे जब सन की लाइट पड़ती है तो क्या होता है उनका वाष्पोसर्जन होता है तो वो वाष्पोत्सर्जन वो कम करती है। हैं कटीले होते मिट्टी की जो पत्तियां जो छोटी होंगी तो सनराइज़ सन रेज जो है उन पर कम पड़ेगी तो उनका वाष्पोत्सर्जन कम होता है इस वजह से वहाँ की मिट्टी सॉरी वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्ती पत जो पत् सॉरी पत्तियाँ जो होती हैं वो छोटी होती हैं पतली होती हैं दूसरी चीज़ ये होती है, होती है होती होती। और मोटी होंगी पतली नहीं होगी मोटी होंगी पत्तियाँ छोटी होंगी और मोटी होंगी और पेड़ों में जो होंगे वो कटीले पेड़ होंगे और जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती, होती हैं इनकी ये जब मैं आपको अभी मरुस्थलीय वन पढ़ाऊंगा जब वन वाला जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा ठीक है तो ये लिख, ये लिख लिखा इस प्रकार की मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थों तथा नाइट्रोजन की कमी होगी जाहिर सी बात है भाई कार्बनिक पदार्थ क्या जब पेड़ ही नहीं है तो कार्बनिक पदार्थ कहां से आ जाए कार्बनिक पदार्थ कहां से मिलते पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके सड़ने गलने से कार्बनिक पदार्थ की प्राप्ति होती और मरुस्थलीय या सूक्ष्म क्षेत्रों में भाई पेड़ पौधे होते ही नहीं तो कार्बनिक पदार्थ होंगे ही नहीं सीधी सी बात है ठीक है कि कमी होती है इसलिए यह मृदा कम उपजाऊ होती है इसलिए यह मृदा कम उपजाऊ होती है इसलिए यह मृदा कम उपजाऊ होती है ठीक है समझ गए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इन मिट्टियों में अगला पॉइंट इन मिट्टियों में खनिज नमक इन मिट्टियों में खनिज नमक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इन मिट्टियों में खनिज नमक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं नमक की मात्रा इसमें इन मिट्टियों में जो होती है वो ज़्यादा होती है ठीक है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई नमक क्यों रहेगा क्योंकि पानी जो होता है वास्पोसजन होकर उड़ जाता है और पानी में जानते हैं आप एन एस सी एल होता है वो जो वास्पुसन हो जाता है और जो बचा हुआ नमक वो उसी मिट्टी में मिल जाता है सीधी सी बात कोई भी नहीं ऐसा लॉजिक नहीं जो मैं पीछे ना समझा चुका हूँ हर एक चीज़ को मैं बहुत बाराकी बारीकी समझा चुका हूँ बस आपको समझना है भाई जाहिर सी बात है जब जो मान लो हल्की फुल्की बारिश हुई भी बारिश हुई तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता तो उनका वाष्पीकरण हो जाता पानी सब उड़ के ऊपर चला जाए और बचा क्या नमक 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 मिट्टी मिल जाता है इसी वजह से मैं नमक की मात्रा ज़्यादा होती सीधी सी बात है ठीक है अब अगर लिखेंगे जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में अगला पॉइंट है जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां पर गन्ना बाजरा ज्वार है ना बाजरा ज्वार तथा सब्जियां पैदा की जाती हैं तथा सब्जियां पैदा की जाती हैं जैसे कि हम आपको जब रिवर्स पढ़ा रहे थे पहले पॉइंट लिखेंगे इसको पहले लिखेंगे जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पर गन्ना बाजरा ज्वार सब्जियाँ पैदा होती हैं है ना पैदा होती हैं या की जाती हैं जो भी लिखना है पैदा की जाती हैं ठीक है थीके? तो लिख लिया होगा देखो इसको समझेंगे हरित क्रांति से पहले जो राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है यहाँ पर पहले कुछ नहीं उजा उपजाया जाता था जब तक हरित क्रांति से पहले की बात मैं बता रहा हूँ फिर क्या हुआ है कि जो सतलज नदी है सतलज नदी पर हमने क्या किया एक बैराज बनाया जिसका नाम है हरिके बैराज मैं आपको नदियां पढ़ा रहा था और फिर हमने उस बैराज को बनाकर क्या किया हमने एक कैनाल बनाई इंदिरा गांधी नहर उस नहर से क्या काम करा हमने उस नहर को बनाकर हमने क्या किया वहाँ पे जो राजस्थान में क्या हुआ पानी सक, सप्लाई बना दिया पानी हमने पूर्ति शुरू की उससे क्या हुआ कि राजस्थान का जो पूर्वी यानी जो जैसे का ये वाला इलाका, पर्वत निकलता है और इसके इधर वाला इलाका इस वाले इलाके में दोस्तों जो है यहां पर दोस्तों जैसे हम आ, अब देख रहे हैं आजकल गेहूं का उत्पादन शुरू हो गया है बाजरा बड़ी मात्रा में यहां पर कपास तक उगाने लगे हैं लोग इस इलाके में क्यों क्योंकि वो जो केनाल है सिंचाई की सुविधा वो वहां से वहां से मिल गई उस केनाल से पानी की प्राप्ति होने लगी तो इस पूर्वी इलाके में राजस्थान जैसे अजमेर उदयपुर ये जो इलाके हैं आप देखेंगे उपजाऊ इलाके हो गए यहां पर गेहूं है धान की भी गेहूं है और क्या कहते हैं बाजरा है ज्वार है ये बहुत सारे फसल यहां पर उबा उपजाए जाने लगे क्यों क्योंकि पानी की प्राप्ति होने लगी ठीक है तो यही पॉइंट था इसको लिख लिया ठीक तो इसके बाद हम आगे फिर लिखेंगे आगे लिखेंगे इस प्रकार की लिखेंगे इस प्रकार की मिट्टियाँ अगला पॉइंट है इस प्रकार की मिट्टियाँ राजस्थान इस प्रकार की मिट्टियाँ राजस्थान दक्षिण पश्चिम पंजाब इस प्रकार की मिट्टियाँ राजस्थान कौमा दक्षिण पश्चिम राजस्थान कौ तथा कौमा सॉरी दक्षिण पश्चिम पंजाब राजस्थान बोला मैंने सॉरी सॉरी दक्षिण पश्चिम देखो इस प्रकार की मिट्टियां राजस्थान कौमा दक्षिण पश्चिम पंजाब कौमा कौमा दक्षिण पश्चिम हरियाणा दक्षिण पश्चिम हरियाणा तथा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश कुछ क्षेत्र थोड़ा सा क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है इस प्रकार की मिट्टी राजस्थान दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिम हरियाणा या दक्षिण पश्चिम पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ठीक है तो ये हो गई हमारी सूक्ष्म एवं एरिड यानी सूक्ष्म या मरुस्थलीय मिट्टी की बात हमने कर ली छह हो गए सातवीं लिखेंगे इसके बाद सातवीं जो है उसका नाम है क्या नाम है तो दलदली एवं सातवीं जो है नहीं दलदली नहीं है दलदली तो लास्ट है शायद हाँ क्षारिय क्षारिय एवं लवणीय मिट्टी लवणीय मिट्टी एल्काइन एल के लाइन एंड सलाइन सॉइल्ड ठीक है इसके बारे में लिखेंगे सब कुछ क्लियर है ना मतलब ज्यादा बोल तो रहा ही हूँ मैं और हाँ बाकी तो सब क्लियर है कोई दिक्कत नहीं अगली मिट्टी लिखेंगे लिखेंगे तो पहले लिखेंगे इस मिट्टी का स्थानीय नाम लिखेंगे इस मिट्टी का स्थानीय नाम रहे मैं लिख दे रहा हूं इस मिट्टी का स्थानीय नाम देखते चलेंगे मैं जो लिख रहा रे रेह कल्लर ऊसर चोपन आदि है इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेह कल्लर ऊसर चोपन आदि है ठीक है यह मिट्टी अगला पॉइंट लिखेंगे यह मिट्टी बिहार उत्तर प्रदेश बिहार कौवा उत्तर प्रदेश कौवा हरियाणा कौवा पंजाब या मिट्टी उत्तर बिहार कौवा उत्तर प्रदेश कौवा हरियाणा कौवा पंजाब राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती शुष्क क्षेत्रों में महाराष्ट्र यूपी एमपी, बिहार और जो पंजाब है यहां पे जहां पे शुष्क क्षेत्र यहां पे जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी सी होती है शुष्क भागों में अपेक्षाकृत शुष्क भागों में अपेक्षाकृत शुष्क भागों में शुष्क अपेक्षाकृत ऐसे लिखेंगे अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाई जाती है यह मिट्टी बिहार उत्तर प्रदेश पंज, हरियाणा पंजाब राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अपेक्षाकृत सूक्ष्म भागों में पाई जाती है ठीक है ये हो गया फिर लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण कौन कौन से तत्व बता रहा हूं है? सोडियम व मैग्नीशियम मैग्नीशियम की अधिकता के कारण तो 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 मैग्नीशियम तो तो की अधिकता के कारण या मिट्टी सोडियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता के कारण या मिट्टी या मिट्टी लवणीय या मिट्टी लवणीय है ना ऐसे लवणीय तथा लवणीय तथा तथा कैल्शियम व तथा कैल्शियम कैल्शियम व पोटेशियम कैल्शियम व पोटेशियम पोटेशियम की अधिकता के कारण कैल्शियम व पोटेशियम की अधिकता के कारण क्षारिय 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 हो जाती है क्षारिय हो गई है क्षारिय हो गई है हो जाती है या हो गई है देखो क्या है जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता हो गई है तो वो लवणीय हो जाती है और और जब जब क्या होता कैल्सियम की अधिकता जाती है तो क्यों कैसे कौन सी बनती है मैंने पीछे ही बता चुका हूं आपको ठीक है फिर अगला पॉइंट लिखेंगे या खेती के लिए, अगला पॉइंट उपयुक्त तो नहीं है या खेती के लिए उपयुक्त तो यानी खेती के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती या खेती के लिए उपयुक्त तो, उपयुक्त तो नहीं है उपयुक्त तो नहीं है या खेती के लिए उपयुक्त तो नहीं है अगला पॉइंट था ठीक है ये भी लिख लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा कोई दिक्कत नहीं है बस जो कंटेंट पाया जाता है उस वजह से ये है ठीक है फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे अब इसको हम लोग कैसे उपजाऊ बना सकते एक ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं ये मिट्टी को कैसे हम उपजाऊ बना सकते हैं इसको हम बताते हैं तो लिखेंगे इन मिट्टियों को इन मिट्टियों को चूना या जिप्सम इन मिट्टियों को, है है? को इन मिट्टियों को चूना व जिप्सम 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 ठीक है जिप्सम ऐसे लिखेंगे जिप्सम इन मिट्टियों को चूना व जिप्सम तथा जिपस चूना व जिप्सम मिलाकर जिप्स इन मिट्टियों को चूना तथा जिप्सम मिला कर जिप्सम मिला, मिला कर तथा तथा चावल और गन्ना जैसी गन्ना जैसी लवण रोधी लवण रोधी गन्ना जैसी लवण रोधी जो नमक को जो लवण को जो कम करती हूँ जो कम करती हूँ लवण रोधी फसलों को लगा को लगा कर को लगा कर को लगा कर सुधारा जा सकता है इन मिट्टियों को सुधारा जा सकता है अगला मैं पॉइंट फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इन मिट्टियों को चूना या जिप्सम मिलाकर तथा चावल या गन्ना गन्ना जैसी लवनारोधी फसलों को उगाकर सुधारा जा सकता है ठीक है तो इस मिट्टी को कैसे सुधारा जा सकता है ये जो छारी और ये लवणीय मृदा है इसको इस तरीके से सुधारा जा सकता है ठीक है तो ये चीज हो गई यानी इसमें हम अगर हम ये चीज़... क्या है हम बार बार चावल और क्या कहते हैं गन्ने को हम उगाते रहें तो गन्ना क्या करता है चावल और गन्ना लवण रोधी यानी जो इनकी जो जो नमक जो होती लवना लवनता होती उसको कम करेगा और फिर हम इसमें अगर हम चूना मिला दें चूना या जिप्सम मिला दें तो इसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी इसके वजह से हम फिर कोई और भी फसलें कुछ समय बाद और भी फसलें फिर ये ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी तो फिर हम दूसरी फसलें भी उगा उगा सकते हैं इसमें ठीक है तो ये बात हो गई नेक्स्ट लिखेंगे अगली जो मृदा है ये तो हो गई दोस्तों ठीक है सात हो गई ठीक है इनमें देखो समझाने वाला कुछ ऐसा है नहीं लिखने ही वाला है तो इसी वजह से मैं थोड़ा और जो रहता है समझाने वाला मैं खुद ही समझाता हूँ रुक के ठीक है आपके पास एक अच्छा सा नोट्स हो जाएगा आप आराम से कभी भी रिवीजन कर पाएंगे और मैं समझा तो रही हूं। कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो समझाने वाला हो मैं ना मैं रुक के खुद ही उसके लिए आप आप बेफिक्र रहें बस आप एक काम करते रहें वीडियो को लाइक करते रहें कमेंट करते रहें और हां जो आज नए पहली बार जुड़ा है और उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ठीक है और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ठीक है दोस्तों शेयर जरूर किया करें वो वीडियो को अब जो है पिट आठवी जो मृदा है पिट एवं दलदली मिट्टी दलदली मिट्टी वहां मैंने देखो तो सिर्फ दलदली लिखी थी बट यहां पे मैं पूरी दोनों लिख दे रहा हूं क्योंकि कोई भी मृदा पूछा जाएगा आप आराम से बता लेंगे तो पिटी का दोस्तों पिटी ही होता है एंड दलदली मतलब दोस्तों मरसी मरसी सॉइल मरसी सॉइल ठीक है तो ये हो गए मरसी सोइल आठवी है इसको लिखेंगे। फट से लिखेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मिट्टी आपको कहां पे मिलेगी मैं इस चीज को पहले समझा देता हूं जैसे कि आप सुन रहे हैं पिट एवं दलदली मिट्टी दलदली मिट्टी दोस्तों कहां मिलेगी आपको तट के किनारे जहां पर जल का जमाव होगा वहां पर आपको दलदली मिट्टी मिलेगी अब जल का जमाव कहीं पर भी हो सकता है ये मगर जल का जमाव ज्यादातर हम देखते हैं दोस्तों कहां होता है वो तटीय इलाके में होता है तटीय इलाके जैसे कि अगर हम बात करें जल का जमाव कहाँ है ज़्यादा जैसे हम पश्चिम बंगाल का अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवल का डेल्टा है वो तटीय इलाका है वो जल का जमाव वाला क्षेत्र है तो वहां पर हमको दलदली मिट्टी मिलेगी इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे कि हम बात करें तो जो हमारा पूर्वी तट है तो पूर्वी तट में जैसे हम उड़ीसा है उड़ीसा में क्या है चिल्का झील है चिलका झील क्या है दोस्तों वो एक दलदली क्षेत्र ही तो है दोस्तों वो क्या है जो लेगून है क्याल है वो क्या है दलदली क्षेत्र तो वहां पर ये मिट्टी पाई जाएगी जैसे फिर हम बात करें तमिलनाडु का इलाका है तमिलनाडु में भी दोस्तों क्या है ये दलदी तट का इलाका जो है वो दलदली इलाका है क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि हमने वहां पर वीरानम चंबर बक्कम जैसी दल जो क्या है लेगुन झीलें देखी थी हमने देखी थी पढ़ाई थी ना मैंने झीलें तो वहां पर तो वहां पर भी दलदली रहेगा इसी तरीके से दोस्तों पश्चिमी तट का मैदान जैसे तो हम जैसे केरल वाला इलाका देखेंगे ऊपर हम और चले जाएंगे तो वो सारा तो ये सारे इलाके जो हैं ये ज्यादातर जो है तटीय क्षेत्रों में हमको ये जो मिट्टी है वो ज्यादा मिलती तटीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे वाले इलाके में ये मिट्टी हमको ज्यादा मिलती ठीक है तो इस चीज को याद रखना है ये थोड़ा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इस मिट्टी का तो चलिए इस लिखेंगे लिखेंगे इन लिखेंगे ठीक है इस मिट्टी को लिखेंगे इन मिट्टियों का निर्माण इन मिट्टियों का निर्माण अधिक आदरता वाले क्षेत्रों में इन मिट्टियों का निर्माण इन मिट्टियों का निर्माण अधिक आद्रता वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अधिक आद्रता वाले क्षेत्रों में आद्रता कैसे लिखेंगे बड़ी आद्रता आदर बड़ी आदरता इन मिट्टियों का निर्माण अधिक आद्रता वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जल जमाओ जल जल जमाओ जल जमाओ बड़ी मात्रा में सॉरी क्या लिखा है मैंने फिर से बोल रुको सकता इन मिट्टियों का निर्माण अधिक आदरता वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों बड़ी मात्रा में कार, जल जमाओ एवं ऐसे लिख लिया जल जमाओ लिख लिया तो जल जमाओ एवं कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है एवं कार्बनिक पदार्थों के कारण बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों के जमने से भी इस मिट्टी का निर्माण होता है जल जमाव एवं कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है ठीक है तो लिख लिया होगा जल जमाव एवं कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है तो मैं फिर से रिपीट इसको कर इसको पॉइंट को अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो लिखें इन, इन मिट्टियों का निर्माण अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जल जमाव एवं कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है के कारण कार्बनिक पदार्थों के बड़ी मात्रा में जल जमाव एवं कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है ठीक है तो ये लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे ये मुख्यता ये मिट्टियाँ या के लेके ये मिट्टियाँ ये मिट्टियाँ मुख्यता मुख्यता तटीय प्रदेशों तटीय प्रदेशों मैंने बताया तटीय प्रदेशों तथा जल जमाव वाले क्षेत्रों में तथा जल जमाव वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं ये मिट्टियां मुख्यता तटीय प्रदेशों तथा जल जमाव वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है तो यह समझ में आ गया आपको पॉइंट कोई दिक्कत नहीं मैं तो इसको पहले ही समझा चुका हूं नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें घुलनशील इसमें घुलनशील तत्व अधिक होते हैं मैं भी समझाऊंगा इसमें घुलनशील तत्व अधिक होते हैं और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा दस से चालीस प्रतिशत तक होती है इसमें घुलनशील तत्वों की की मात्रा अधिक होती है इसमें घुलनशील तत्व अधिक होते हैं अधिक होते हैं और कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा दस से चालीस प्रतिशत तक होती है ठीक है तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा चालीस से 30, क्या देखो एक चीज को समझें आप जैसे कि हम बात बात कर रहे हैं आपसे कि हम बता रहे हैं आपको पश्चिमी तटीय मैदान तो पश्चिमी तटीय मैदान कैसा इलाका है दोस्तों जैव विविधता का क्षेत्र है जैव विविधता का हॉटस्पॉट है क्यों क्योंकि वहां पर घने जंगल पाए जाते हैं तो घने जंगल हो गए तो वहां पर बायोडावर्सिटी बहुत ज्यादा होगी ठीक है तो इसी वजह से वो जो क्षेत्र है वहां पर जैविक पदार्थ अधिक होंगे जाहिर सी बात है दूसरा हमने आपको बोला उड़ीसा का क्षेत्र तमिलनाडु का क्षेत्र ये भी दोस्तों क्या है जैव विविता के क्षेत्र हैं तमिलनाडु के पास आप देखेंगे मन्नारी खाड़ी है जो मन्नारी खाड़ी क्या है जैविकता का क्षेत्र है क्यों क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं और भी चीज़ें हैं मन्नारी खाड़ी में और हमको बहुत सारे टर्टल हैं बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं तो वहाँ पर भी जैविक पदार्थ बहुत ज़्यादा होगा उड़ीसा चिल्का झील है वहाँ उड़ीसा भी वैसे भी जंगल के मामले में है तीस चौथे या पाँचवें रैंक में आता है हमेशा ठीक है अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो भी देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पे भी जंगल है तो वहाँ पे जैविक पदार्थ और बहुत सारे जीव जीव जंतु वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं तो वो भी इसी वजह से वहाँ पे जैविक पदार्थ बहुत ज़्यादा होंगे ठीक है फिर सुंदरवल का डेल्टा हम देख ले तो वहां पर पेड़ पौधे हैं ही जंगल का इलाका है ही वैसे वैसे भी और दूसरी चीज वहां पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी है तो इस तरीके से आप अगर एक दूसरे को लिंक करके पढ़ेंगे तो मिट्टी को अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है तो इस वजह से मैंने ये पॉइंट लिखा है तो यहाँ पे घुलनशील तत्व भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्यों क्योंकि जो समुद्र किनारा है खारी खारा जल है तो वहां पर घुलनशील पदार्थ ही मिलते हैं ठीक है देखो इस मिट्टी का एक तरीके से निर्माण ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अवसादी मिट्टी है या आप कह लें जो लाल मिट्टी है उसका जब निछालन हो जाता है निछालन मतलब क्या है जब समुद्र के पानी द्वारा या और भी क्रियाओं द्वारा जब उसका जो सेडिमेंट जो उसमें जो घुल जो जो रेड मिट्टी के जो घुलनशील पदार्थ वो बहकर जब सब तट के किनारे पहुंचे तो इन मिट्टियों में एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं तो वहाँ इसी वजह से इन मिट्टी में घुलनशील तत्वों की प्रधानता होती है हर एक मिट्टी को अगर आप अलग तरीके से पढ़ेंगे अलग करके तो आप समझ में नहीं पाएंगे बट उसको एक दूसरी मिट्टी से लिंक करके जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो ये भी हो गया अगला लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे मिट्टी खेती के लिए मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त है अनुपयुक्त है अनुपयुक्त है है ना अनुपयुक्त है ठीक है लिखेंगे अगला पॉइंट यहां मिट्टी मुख्य रूप से यहां मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदानों पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है या मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है ठीक है इस उसी के आगे लिखेंगे उड़ीसा कौमा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र उड़ीसा कौमा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं उड़ीसा कौमा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र सुंदरवन क्षेत्रों में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो जाहिर सी बात मैंने बता ही दिया पिछ पहले ही मैंने बता दिया भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं ठीक है तो ये हो गई दोस्तों आठ की आठों प्रकार की मिट्टियाँ आई के अकॉर्डिंग जो आई एक संस्था है भारत की ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल रिसर्च एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च जो संस्था है वो दोस्तों अगर वो बात करें तो उसने हमारी भारत की जो मिट्टियाँ उसको आठ भागों में बांटा है यानी आठ प्रकार में विभाजित किया है तो हमने आठों प्रकार को लिख लिया अब इसका काम यह है कि हम इनको मैप में दर्शाएंगे और मैप में दर्शाने का काम यह है कि हम आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो व्हाट्सएप ग्रुप है ठीक है हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है जो भी नए हैं आप जान लें एट एट फोर जीरो फोर एट सिक्स थ्री जीरो नाइन इस नंबर पर आप मुझे एक मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप का कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ मुझे ग्रुप में ऐड कर दी थी, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ अदरवाइज मैं दूसरा भी ऑप्शन है कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आप वहां से भी जुड़ जाएं अगर नहीं वैसे हो पा रहा तो नंबर से आप मुझे मैसेज कर दें कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दें तो मैं वहां पर ऐड कर दूंगा और उस ग्रुप में मैं क्या करूंगा इसका जो मैप है मैंने बहुत अच्छे से उसको बनाया है जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड रुकेंगे आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कुछ बताना नहीं है सारा कुछ मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ बस खाली आपको मुझ उसको क्या करना है मैप बना लेना है क्योंकि जरूरी है आप मैप बना के जब रखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा एक सेकंड दोस्तों मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे फिर कॉपी में बना है ना तो हाँ आप देखिए ये देखिए दोस्तों मैंने एक प्यारा सा मैप बनाया है ठीक है इसमें मैंने छः प्रकार की मिट्टी दर्शाई है आपको भी इतनी ही दर्शानी है ठीक है इसको मैंने आपको बहुत प्यारा मैप बना के इसको दिखाया है तो आप इसको भी क्या करेंगे दोस्तों इसको मैं आपको इसको मैं आपको क्या करूँगा वही व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें सेंड कर दूंगा और आपको एज इट इज जैसा ये बना है एज इट इज वैसा ही इसको बना लेना है ठीक है तो फिर इससे क्या होगा आपका एक अच्छा सा मैप पे आपको पता रहेगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है ठीक है तो ये आपको मैं आपको क्या करूँगा आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा इसकी पी दे दूंगा आप वहाँ से इसको बना लेंगे अच्छे से ठीक है क्योंकि अब देखो मैं चाहूँ यहाँ पे बना दूँ चाहे वहाँ पे उसमें कुछ मुझे अब क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका मिट्टी के बारे में तो अब मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं मैप को ठीक है अब आपको क्या है मैं मैप में बनवाऊँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी आपको बनाना ही है तो मैं आपको इसको ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा आप वहाँ से बना लीजिएगा ठीक है अब मैं आपको बता दूँ मिट्टी में एक मिट्टी जो भारत की जो मिट्टी है उसमें दोस्तों एक टॉपिक शॉक रह गया वो है दोस्तों मींस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी या यूपी में जैसे मृदा अपर्दन के कारक मृदा जो है अपर्दन है मृदा अपर्दन के जो कारक हैं कौन कौन से कारक हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और ये कल इसकी क्लास हम लोग करेंगे ठीक है आज हम लोग जहाँ तक हमने कहा था मिट्टी को पढ़ना है हमने वो पढ़ा दिया अब एक टॉपिक और इसमें रह गया मृदा अपर्दन के कारक कौन कौन से जो मृद कारक ऐसे हैं जो मृदा के अपर्दन को रोकते हैं और मृदा अपर्दन को रोकने के क्या क्या उपाय हैं इसको भी देख लेंगे तो आपका पूरा मिट्टी का जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो जाएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि क्या हमने क्या पढ़ाया देखो हमने क्या क्या पढ़ा दिया मिट्टी में तो मैं आपको बता दूं मिट्टी क्या है ये बताया मिट्टी का निर्माण कैसे है ये बताया मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन, कौन कौन से हैं तो वो मैंने बताया फिर मिट्टी का वर्गीकरण मैंने बताया और फिर अब आपको मैं बताऊंगा मिट्टी अपर्दन के कारक ठीक है फिर मिट्टी अपर्दन के रोकने के क्या उपाय हैं उनको हम लोग देख लेंगे और मिट्टी का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा तो अब इससे कि जो आगे की जो क्लास है यानी मिट्टी अपर्दन के कि जो कारक हैं वो हम लोग कल करेंगे आज हम लोग यहीं तक रखेंगे ठीक है तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और हाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों और भाइयों बहनों जो भी हैं वो क्या करें वीडियो को मतलब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें जो रेड वाला बटन है उसको दबाएँ चाहे उस पर लाठी चलाएं जो भी है बस उसको प्रेस कर लें प्रेस कर लें और आल नोटिफिकेशन पर उसको कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं आपको डालूँ वो आप तक पहुँच जाए है ना और पीछे की जितनी भी क्लासेस हैं आप लोग देखते चलें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जिस तरीके से मैंने आपको मिट्टी पढ़ाया मिट्टी देखो फैक्चुअल चीज़ें हैं फिर भी मैंने आपको उस तरीके से समझाने का प्रयास किया है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा मैंने आपको कुछ टॉपिक ऐसा ज्योग्राफी देखो मैं लेकर आया हूँ तो मेरा एक मकसद है कि आपको जोग्रफी सीख लेना है जोग्रफी को एक एक चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना मैं आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे समझाऊँगा ठीक है तो सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए चलना है ठीक है तो आपका जो पीछे क्लासेस हैं, वो आपको देखना है रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है प्लेलिस्ट भी है आप जब सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हालांकि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दूँगा आप वहां से जाके वहां पे मिल जाएंगे आपको ठीक है तो वो सारी पीछे क्लास आप देखते रहिए ठीक है और हाँ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों ऐसा लगता है कि आप लोग शेयर वेयर नहीं करते थोड़ा कंजूसी करते हैं आप लोग लग रहा है शेयर करने में मैं जब पढ़ाने में दोस्तों शेयर नहीं कर कंजूसी नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग शेयर करने में क्यों कंजूसी करते हैं तो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं जो भी हैं उनको शेयर करें ताकि लोग जाने लोगों को पता चले और ज़्यादा लोग देखें तो मुझे और आप लोग एक चीज है ये भी है कि आप लोग कमेंट भी नहीं करते एक बच्चा दो बच्चा जो है कमेंट करते हैं बाकी बहुत सारे लोग देखते तो कमेंट भी नहीं करते दोस्तों कमेंट भी किया करें क्योंकि तो हमें पता चले है ना तो किस तरीके की वीडियो है मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मुझे भी थोड़ा लगे हाँ सही है आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे ठीक है तो चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए या जुड़ने के लिए हमारे साथ दोस्तों धन्यवाद बाकी अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और जाड़ा बढ़ रहा है दोस्तों और जाड़ा बढ़ रहा है तो जाड़े से अपने को सुरक्षित रखना है क्योंकि दोस्तों हमारे धर्मशास्त्रों में एक बात कही गई है आपके आंसू पूछने वाले हजारों मिल जाएंगे मगर आपकी नाक पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा ठीक है तो अपनी नाक को भी बचा कर रखना अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ठीक है तो ठंडी से थोड़ा अपने को सावधान रखें ठीक है तो चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं बाकी कल मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए धन्यवाद जोड़ने के लिए बाय नमस्ते जय हिंद